जैसे मैंने बोल दिया था सबमिट करने के लिए, तो बहुत कम लोगों ने सबमिट किया है, तो उसके अनुसार उनका मतलब स्कोर कार्ड बनेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि मैंने आपको बोला था, मैंने आपको टाइम भी दिया था, फिर स्टिल मैंने टाइम दिया था कि मतलब एक साथ भी सेंड कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स स्टार्ट, हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और लगभग हम बहुत सारा चीज़ हमने कवर कर दिया था। ओके, सो नाउ आई विल ट्राइंग टू कम हियर। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की तरफ हम आते हैं। ओके, नाउ कम टू द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस। इसके बारे में थोड़ा हम क्या करते हैं, डिस्कशन करना स्टार्ट कर दें। व्हाट एग्जैक्टली इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज देयर? अब फिलहाल के लिए हमने मतलब बहुत सारा चीज़ हमने ऑलरेडी मतलब ले लिया था, बहुत सारा चीज़ हमने ऑलरेडी मतलब अच्छे से समझ लिया है। मेन अभी हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड व्हाट वी कैन से जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसके बारे में हमने मतलब डिटेल्स पूरे के पूरे ले लिए हैं। अब हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होगा, नाउ वी विल ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट, इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, तो ये होता क्या है उसके बारे में डील करेंगे, एक एक करके हम उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इट इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब देखिए, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम या फिर हैबिटेट विद इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। सो बोल रहे हैं कि अगर कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, मान लीजिए कोई, मान लीजिए जैसे कि महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में क्या मिलेगा, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे क्या मिलेगा, अलग अलग इकोसिस्टम्स मिलेंगे। जैसे कि अगर हम जाएंगे पश्चिम महाराष्ट्र में जाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे आपको समंदर मिलेगा, है ना, इफ यू गो टूवर्ड्स द पश्चिम महाराष्ट्र, समंदर वाला इलाका मिलेगा हमें। अगर हम इधर पूर्वी इलाके में जाएंगे, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, जंगल मिलेगा, ट्रॉपिकल एरिया मिलेगा। इस तरीके से मेड़घाट में जाएंगे तो कुछ अलग मिलेगा, महाबलेश्वर के साइड में कुछ अलग मिलेगा। तो है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, लेकिन वहाँ पे क्या मिलते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम मिलते हैं, यानी रिवर इकोसिस्टम मिलती है, ओशन इकोसिस्टम मिलता है, लगभग सब कुछ मिलता है हमारे एरिया में, ऐसा हम बोल सकते हैं। देर आर लार्ज वराइटी ऑफ इकोसिस्टम ऑन अर्थ हैविंग देयर ओन कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिस्टिंक्टिव इंटरलिंक स्पीसीज, इंटरलिंक स्पीसीज। तो बोला ये जा रहा है कि देखो, बहुत बड़ा इकोसिस्टम इस धरती के ऊपर प्रेजेंट, मतलब अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स है इस अर्थ के ऊपर, पर हर एक इकोसिस्टम में कुछ अलग अलग स्पीसीज दिखते हैं। जैसे कि देखो, अगर मान लो, अगर डेफिनेटली अगर ओशन को एक हम एक इकोसिस्टम मान ले, तो उसके अंदर खाली फिशेस मिलेंगे, उसके अंदर भी आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं मिलने वाला, तो काइंड ऑफ, तो उनका अपना अपना अपन वराइटी है स्पीसीज में, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर हम जैसे मान लीजिए, अगर रिवर इकोसिस्टम गए या फिर कोई डेजर्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर उनके अपने अपने स्पीसीज मिलेंगे, कुछ और ऐसा नया स्पीसीज वहाँ नहीं मिलने वाला कि जो कि आपको क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते, कुछ स्पीसीज वो डेजर्ट के अंदर मिलना मुश्किल है, क्योंकि उतना टेम्परेचर वो टॉलरेट नहीं कर पाते। बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द हैबिटेट, इट कैन बी डिस्क्राइब फॉर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन। तो मतलब देखते हैं आगे बोलता, वही चीज रिपीट कर रहे हैं। जनरली देर मे बी वन और मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इन रीजन। तो ऐसा होता है कि एक जगह पे क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा इकोसिस्टम हो सकता है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ अलग अलग इकोसिस्टम के बारे में मैंने बताया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है यहाँ पे, ओशन इकोसिस्टम है यहाँ पे, रिवर इकोसिस्टम है यहाँ पे, एक अगर मैंने जोग्राफिकल एरिया कंसिडर किया तो बोल सकते हैं। दस, तो उससे हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, दस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज वेरी हाई इन इंडिया वाइल इट इज क्वाइट लो इन नॉर्वे। तो वो देखो, बताया जा रहा है कि अगर भारत की बात करेंगे, तो भारत सबसे ज्यादा, एक्स्ट्रा फाइल लेनी चाहिए। सॉरी,
सो भारत की और नॉर्वे की बात करेंगे तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि भैया भारत के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप डिफरेंट वराइटी के क्या मिलते हैं, इकोसिस्टम मिलते हैं। कंपेयर टू द कंपेरिजन अगर करें तो क्या है, भारत के अंदर इकोसिस्टम के अंदर वराइटी क्या मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। तो नॉर्वे के पास क्या है, नॉर्वे के पास मतलब देखा जाए तो उतना इकोसिस्टम ज्यादा नहीं है, हम इजिली क्या कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, दिस वाज द थिंग वन शुड नो, ये दोनों ये फर्क आपको पता होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज को हम डील करेंगे। इन इंडिया वी कैन फाइंड अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, तो बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे रिच डाइवर्सिटी मिलता है, हम समझ सकते हो। ओके, जैसे डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट यानी पानगढ़ी वृक्ष बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जंगल बोलते हैं, जहाँ पे पत्ते झड़ते रहते हैं ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। यूस्टरीज है, इसका मतलब मैंने बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूस्टरीज। बहुत सारे वेटलैंड्स है, ग्रासलैंड्स है, एवरीथिंग इज देयर। तो इतना सारा मेजर जो डाइवर्सिटी है, एकमात्र ऐसा क्या बोल सकते हैं स्टेट है, एकमात्र ऐसा स्टेट नहीं बोल सकते, नेशन है उसका, इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलता है हमारे पास। ओके, द वेस्टर्न घाट शो ग्रेट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वाइल रीजन लाइक व्हाट वी कैन से लद्दाख एंड रन ऑफ कच्छ डू नॉट शो वेरियंस लाइक वी ऑब्जर्व इन वेस्टर्न घाट। तो अभी देखो आप समझ सकते हैं, लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पे बर्फ वगैरह बहुत ज्यादा गिरती है, तो डेफिनेटली इन कोल्ड एरिया, जहाँ कोल्ड एरिया है वहाँ पे क्या हमें पता है डाइवर्सिटी बहुत कम मिलती है, हम जानते हैं। बट अगर हम बात करें किसकी, फिटिंग अबाउट द वो भी है, और कच्छ जो राजस्थान में आता है तो वहां पे भी हम समझ सकते हैं। कच्छ कच्छ अलग है, कच्ची दाबी अलग। तो वो कच्छ का जो मतलब डेजर्ट है, उधर भी बेसिकली क्या मिलेगा आपको, कम ही स्पीसीज मिलेगी। लेकिन वेस्टर्न घाट जैसे सह्याद्री का एरिया है, वहां पे क्या मिल सकता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिल सकता है, ऐसा बोल रहा है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एट ऑल ऑफ थ्री लेवल इज नाउ रैपिडली बींग मॉडिफाइड बाय मॉडर्न मैन। तो ये बड़ा हेवी सेंटेंस है, इसलिए बड़ा डार्क करके दिया है कि भैया देखो डाइवर्सिटी तो बहुत सारी थी, लेकिन इंसान एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जिसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा डाइवर्सिटी को बर्बाद करके रखा, मतलब जो पहले से था उसको खराब करके रखा, ऐसा बोल रहा था। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑल थ्री लेवल्स, जितने सारे तीन लेवल्स थे, जैसे कि हम देख सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, किसी को भी नहीं छोड़ा इंसान ने, सबको क्या कर दिया, थ्री लेवल्स मतलब ये तीन लेवल के डाइवर्सिटी को सबको क्या कर दिया, बर्बाद करके छोड़ दिया, ऐसा बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, आपके भाषा में बोल सकते हैं। अब देखते हैं पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी। देर आर टू पैटर्न है ना, लैटिट्यूडिनल एंड एल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट एंड स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, तो हमने एक बार एनसीईआरटी में पढ़ा था अच्छे से, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है, देखते हैं। ओके, सो लैटिट्यूडिनल एंड अल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट। ओके, बायोडाइवर्सिटी बेरिंग एरिड सेमी एरिड एंड एक्वाटिक हैबिटेट। ओके, एरिड सेमी एरिड एंड एक्वाटिक हैबिटेट, सो लैटिट्यूडिनल एंड अल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट। अब ये ऊपर का समझने से पहले पहले ये अल्टीट्यूड लैटिट्यूड क्या है पहले देखते थे, पहले देखते हैं लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट है क्या, बोल क्या रहा है, देखो देखते। इकोलॉजिकल स्टडी, जब इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, हैव रिलेटेड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म अराउंड द ग्लोब। तो ये एरिड सेमीरिड के बारे में डिस्कशन करने से पहले इसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं, बोल क्या है देखो। जब हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो रिवील करता है, मतलब रिवील करता है मतलब हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी यानी जो हम ये जितना सारा डिफरेंस है, इतनी सारी वराइटी है, ये यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह पे, किसी जगह पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, किस जगह पे बहुत कम है, ये तो हम जानते हो, ये सेंटेंस यहाँ पे बोला जा रहा है। बट आगे चलते क्या बोलता है, क्यों ऐसा है, इसका रीजन इसके अंदर दिया। स्पीसीज रिचनेस एग्जिबिट लैटिट्यूड ग्रेडियंट फॉर मेनी प्लांट एंड एनिमल। तो स्पीसीज रिचनेस क्या होती है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि लैटिट्यूड ग्रेडियंट जो है, जो लैटिट्यूड ग्रेडियंट मतलब लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है, क्या करता है, स्पीसीज रिचनेस के ऊपर इंपैक्ट करता है, ऐसा बोल सकते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट स्पीसीज रिचनेस इज हाई एट अ लोअर लैटिट्यूड एंड देर इज अ स्टडीली डिक्लाइन टुवर्ड्स द पोल्स। तो मुझे बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड, मैंने आपको समझाया था लैटिट्यूड का मतलब क्या है, लैटिट्यूडिनल, पर लैटिट्यूड का मतलब क्या है पहले बताओ, एक रहता है लैटिट्यूड, एक रहता है अल्टीट्यूड, यस प्लीज, अगर आप भूल गए होगे तो बता देना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड का मतलब, मैंने बताया था डिफरेंस, मैंने बताया था आपको एक बार, यस प्लीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड, और आप मुझे पता है पक्का भूल गए होंगे। कोई नहीं बताना चला, हालांकि यहाँ पे दिया है, वर्ड दिया है, उस वर्ड से आप सबसे बता सकते हो,
यस प्लीज, एनीबॉडी एनीवन, किसी को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटिट्यूड? नहीं पता, किसी को पता नहीं। नॉर्थ में हाँ पॉइंट होता है क्या? हाँ तो वही, अभी मेरे को थोड़ी कुछ बताना, आपको है बताना, आपको है, मुझे थोड़ी बताना है। एक रहता है लैटिट्यूड, एक रहता है एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड मतलब कैसे बता सकते हैं? कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं, कहाँ, व्हाट वी कैन से, सो ये सेंटर पॉइंट है। हाँ, इक्वेटर से लेकर पोल तक जाते समय क्या होता है, मतलब अलग अलग लैटिट्यूड लगते हैं, हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो इक्वेटर में क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया है, हम बोल सकते हैं ट्रॉपिकल एरिया है। हाँ 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 सर पता है, मगर बताना नहीं आ रहा, तो बताना तो पड़ेगा ना बेटा, ऐसे थोड़ी होता है, बताना पड़ेगा ना, बताना ही पड़ेगा। ओके, एमबीबीएस में जाओगे तो आपका वाइवा होता है, ठीक है, जितना वाइवा अच्छा उतना आपका स्कोर अच्छा होता है, वहाँ बताना ज़्यादा होता है। एमबीबीएस में ये नहीं, आपको एग्जाम में क्या लिखने वाले हो ये सब मैटर नहीं करता है, आपका वाइवा कैसा ही मैटर करता है एमबीबीएस में। ओके, तो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं, बताना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट आई एम सेइंग, तो इकोलॉजिकल स्टडीज ने क्या कर दिया? ओके, तो ये बोलने का मतलब ये है कि देखो, फ्रॉम द पॉइंट, अगर पॉइंट मतलब इक्वेटर से, अगर ये रहा आपका इक्वेटर, ये रहा आपका इक्वेटर और ये आपका क्या है पोल, तो हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होता है। क्यों? पोलर रीजन पे टेम्परेचर बहुत क्या रहता है, कम रहता है। यानी हम बोल सकते हैं ना, पोलर मतलब आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये दोनों एरिया में है, तो दोनों एरिया में क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत क्या रहता है, कम रहता है। तो टेम्परेचर कम रहेगा तो हम जानते हैं सर क्या होता है, कि आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, नेचुरली क्या होता है, डिक्रीज होता है। हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये चीज़ हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। दिस वाज द थिंग यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया। ओके, चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स लाइक ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रॉपिकल रीजन फॉर अ मिलियंस ऑफ ईयर लेसर द क्लाइमेटिक, देखो ये हम डिस्कस किया था, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी दिखाया था आपको, कि देखो ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत कम, मतलब लेसर द क्लाइमेटिक चेंजेस थ्रू आउट द ईयर्स एंड ऑल ओवर। देखो यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत कम होते हैं, मतलब कम होते हैं, इसका मतलब क्या है, इस तरीके से बोल सकते हैं मोर ओवर, यहाँ पे ये सेंटेंस सही होगा कि प्रिडिक्टेबल क्लाइमेटिकल चेंजेस है। मतलब जैसे कि अगर देखिए समर आता है फिर विंटर है ना, समर आएगा फिर रेनी आएगा फिर विंटर आएगा, इस तरीके से वो चक्कर चलते रहता है। और ट्रॉपिकल एरिया में सनलाइट बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपका टेम्परेट एरिया जहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा रहती है, पोलर अंटार्कटिक और आर्कटिक, उस एरिया में बर्फ बहुत ज़्यादा रहती है, तो बर्फ ज़्यादा रहने से क्या होता है, सनलाइट वहाँ पे बहुत कम मिलती है। सनलाइट कम तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा तो वहाँ पे खाने के लिए चीज़ें कम होगी, है ना, फूड नहीं बनेगा ना, तो फूड नहीं बनेगा तो वहाँ स्पीसीज थोड़ी रहेगा, ज़्यादा स्पीसीज भी वहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा। तो बोल ये रहा है, देखो यहाँ पे फैक्टर्स लाइक ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रॉपिकल रीजंस फॉर अ मिलियंस ऑफ ईयर, तो ट्रॉपिकल रीजंस क्या है, उसका स्टेबिलिटी बहुत हाई है। जैसे बर्फ पिघलते रहता है ना, कभी बर्फ ज़्यादा होता है तो कभी कुछ होता है, तो अनस्टेबल है। लेकिन यहाँ पे देखो समर विंटर है ना, रेनी सीजन एकदम स्टेबल तरीके से चलते रहते हैं। मतलब हालांकि अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, डेफिनेटली डिस्टर्बेंस आ रहा है तो स्पीसीज भी कम हो गए, बट स्टेबिलिटी उसका ज़्यादा है कम्पेयर टू द टेम्परेट। टेम्परेट मतलब जो अंटार्कटिक का और आर्कटिक का एरिया से स्टेबिलिटी ट्रॉपिक का ज़्यादा है, यानी हमारा इलाका, भारत का इलाका बोल सकते, भारत का इलाका या फिर अफ्रीका का इलाका, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ओके, व्हाट दे आर सेइंग, तो लेसर द चेंजेस थ्रू आउट द ईयर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ सनलाइट बहुत ज़्यादा है, एंड सनलाइट होने की वजह से क्या होता है, दैट फेवर्स द स्पेशिएशन। तो स्पेशिएशन हो सकता है, मतलब स्पीसीज बच भी सकते हैं, नए स्पीसीज क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ट्रॉपिक्स एरिया हैव लेस ऑफ्टन एक्सपीरियंस ड्रास्टिक डिस्टर्बेंस लाइक पीरियोडिक ग्लेशिएशन एट द पोल्स। तो बोले देखो, अगर देखो पोलर रीजन पे देखेंगे, आर्कटिक अंटार्कटिक में क्या ग्लेशियर्स, मतलब बर्फ के चट्टाने बनते रहते हर साल, है ना, बड़ा बड़ा बर्फ ना, बर्फ आएगा, बर्फ गिरते रहेगा, है ना, यहाँ पे ग्लेशियर्स आते रहेंगे, ये दोनों पोलर, ये अर्थ है, अर्थ के इसी एरिया में बर्फ आती रहती है, तो यह बर्फ में जिंदा रहना पाना मुश्किल है। पोलर बियर हो सकता है, जिंदा रह सकता है, उसको भी 6 महीने छुप के बैठना पड़ता है ना, उसका हाइबरनेशन बोलते हैं, 6 महीने के लिए हाइबरनेशन है ना, डीप स्लीप बोलते हैं, विंटर डीप स्लीप हाइबरनेशन, बेचारा तब जाके बच पाता है, लेकिन जनरली वो 6 महीने तक बाहर निकल नहीं पाता। अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ कौन सा स्पीसीज रहना पसंद करेगा, ना रहेगा ना टिक पाएगा। पोलर बियर टिक सकता है क्योंकि उसको ऑप्शन नहीं है, उधर ही रहना है, अभी इधर आ नहीं सकता क्योंकि बॉडी का शेप ही वैसा बन गया उसका, ट्रॉपिक्स में बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि आएगा तो मर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ गया सहन नहीं कर पाएगा इस तरीके से। सच स्टेबिलिटी ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर माइट हैव फेवर्ड स्पीशिएशन,
तो ऐसा स्टेबिलिटी के कारण क्या होता है, अलग अलग क्या हो सकते हैं, स्पेशिएशन हो सकता है, अलग अलग स्पीसीज क्रिएट हो सकते हैं बोल रहे हैं स्टेबल एनवायरमेंट में। तो स्टेबल एनवायरमेंट में क्या है, चांसेस बहुत ज्यादा है स्पीसीज ज्यादा क्रिएट होने के, ऐसा बोलते हैं। ओके, सो लेसर द माइग्रेशन, और स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत है ही नहीं, क्या दिक्कत है। लेकिन देखो साइबेरिया में क्या होता है, साइबेरिया में बोला बर्फ बहुत ज्यादा होता है, तो वहां से माइग्रेशन करके आना पड़ता है। 6 महीने के लिए इधर भारत में आ जाओ, मस्त इधर है ना कोलाडोर नेशनल पार्क में मस्त आराम से 6 महीने बिताओ, फिर वापिस चले जाओ। तो वो माइग्रेशन करना पड़ता है उन लोगों को, लेकिन इन लोगों को माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। कभी सुना है ट्रॉपिकल एरिया के पंछी बाहर उड़ के चले गए, नहीं इधर ही रहते हैं, कहीं ना कहीं समंदर रहता है, कहीं ना कहीं पानी रहता है, वहां जाकर आराम से रहेंगे, इस तरीके से बोल रहे। अब फिलहाल के लिए अभी अभी बारिश कम हो गई इसलिए माइग्रेशन होता होगा, लेकिन पहले बारिश होती थी, यानी पहले समर में भी पानी अच्छा खासा रहता था। समर में भी जो आपके जो वेल्स है, बोरवेल्स तो पहले अभी अभी आए, वेल्स रिवर्स में पानी रहता था समर में भी, लेकिन आजकल नहीं रहता क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, ऐसा बोल रहे हैं ना। अभी से हो सकता है कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो सकते हैं। पुराना सिलेबस है 10-15 साल पुराना, उससे मैं एनसीईआरटी को कॉपी किया ना, तो ये 10-15 साल पुराना सिलेबस है, चेंजेस तो अभी तक किया नहीं, एज इट इज चल रहा है। सच अवेलेबिलिटी ओवर मिल रहा सके चलो। इन ट्रॉपिक्स माइट हैव रिड्यूस जीन फ्लो बिटवीन द जोग्राफिकल आइसोलेटेड रीजन्स एंड फेवर्ड सिचुएशन। तो बोल रहा है कि देखो ऐसा अगर एरिया है तो इस एरिया में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बोल सकते हैं, एक ही स्पीसीज के अंदर बहुत सारा जेनेटिक डाइवर्सिटी है अलग अलग। मान लो ये नाम का स्पीसीज है, लेकिन ए नाम के स्पीसीज के अंदर ही क्या है, अलग अलग थोड़ा बहुत उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीसीज ए ही है। मान लो इस तरीके से ए स्पीसीज है, लेकिन ए के अंदर क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। बोल क्या रहा है देखो, मान लीजिए क्या बोल सकते हैं, शिप है, शिप के अंदर ही अलग अलग शिप्स है, मान लीजिए इस तरीके से वैरायटी ऑफ शिप्स है, शिप ही है, स्पीसीज शिप ही है, लेकिन उसके अंदर वैरायटी मिल रहा है। मान लो ये मतलब कोई तो, या फिर कुछ तो स्पीसीज मान लीजिए, एंट मान लीजिए, तो एंट ही है, लेकिन एंट के अंदर ही क्या मिलता है, वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलता है। या फिर कोई बर्ड है मान लीजिए ए नाम का बर्ड, तो बोल क्या रहा है देखो, अगर ये बर्ड सब कुछ फेवरेबल कंडीशन होगा तो फेवरेबल कंडीशन में यहाँ से उड़ के क्यों जाएगा दूसरी जगह पे, जाएगा नहीं, इधर रहेगा। माइग्रेशन माइग्रेशन का रेट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, माइग्रेशन होगा ही नहीं। तो बोल क्या रहा है देखो, व्हाट दे आर सेइंग, सो इन ट्रॉपिक, ये कहाँ होता है, ट्रॉपिक में ऐसा होता है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बोल क्या रहा है देखो, इन ट्रॉपिक माइट हैव रिड्यूस जीन फ्लो, यहाँ जीन फ्लो होने के चांसेस बहुत कम है, यानी ए यहाँ से उड़ के बाहर जाने का चांस बहुत कम है, ये उड़ के कहीं और बाहर चला गया, किसी और जगह पे चला गया, ना भैया ने ऐसा हो ही नहीं सकता, हम सब कुछ है बाहर क्यों जाएंगे, ऐसा बोल रहा है। सो व्हाट दे आर सेइंग, हाँ, सो लेसर द माइग्रेशन इन ट्रॉपिक माइट हैव रिड्यूस जीन फ्लो, तो एक जगह से दूसरी जगह जीन फ्लो नहीं होता है, मतलब हो सकता है अगर मान लीजिए सारे के सारे ए यहाँ से चल उड़ के चले गए बाहर, तो ये हो गया इस इलाके से सारे के सारे जो जीन्स थे, ये स्पीसीज एक ही है, लेकिन इसी स्पीसीज के अंदर हर एक के अंदर डीएनए के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन है। अगर ये स्पीसीज था, इसके अंदर ब्लैक थोड़ा वेरिएशन है, बंदा उड़ के बाहर चला गया और इधर से पूरा का पूरा गायब हो गया, यहाँ से सारे के सारे लोग गायब हो गए, ये हो गए गायब सारे के सारे। ओहो, अगर ये सारे के सारे गायब हो गए तो क्या होगा भैया, यहाँ पे डाइवर्सिटी जो थी वो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, ब्लैक ए यहाँ से गायब हो गया, मतलब यहाँ की डाइवर्सिटी क्या हो गई, कम हो गया। अभी क्या बच गया, ब्लू ए और रेड ए बच गया। तो बोल वही रहा है कि व्हाट ही सेइंग, सो लेसर माइग्रेशन अगर हो गया तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं होगा तो क्या होगा। देखो माइग्रेशन हो गया तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो बोल रहा है देखो, तो अगर ट्रॉपिकल एरिया है तो माइग्रेशन नहीं होगा, ब्लैक ए इधर का इधर ही रहेगा, तो क्या हो सकता है, देखिए क्या बोल रहा है, इन ट्रॉपिक्स माइट हैव रिड्यूस जीन फ्लो, ट्रॉपिक में ऐसा जीन फ्लो नहीं होगा, यहाँ से उठ के कोई बाहर नहीं चला जाएगा, एंड फेवर स्पीशिएशन, उसी स्पीशिएशन हो सकता है, नए नए स्पीसीज की निर्मित हो सकती है। मैंने इवोल्यूशन के अंदर बताया था, जितने ज्यादा वैरायटी होगा उतना ज्यादा स्पीशिएशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वैरायटी होने से स्पीशिएशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ऐसे मैंने बोला था। साइंटिस्ट ऑल्सो हैव कंसिडर अवेलेबिलिटी ऑफ द मोर इंटेंस सनलाइट, वार्मर द टेम्परेचर एंड हायर एनुअल रेनफॉल इन ट्रॉपिक्स एज अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर है ना बॉन्टीफुलनेस ऑफ द रीजन। बोल रहे कि ये बॉन्टीफुलनेस मुझे वर्ड देखना पड़ेगा, ब्यूटीफुलनेस है बॉन्टी, शायद से नया वर्ड है, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, हमें देखना पड़ता। तो वो अगर मान लीजिए ट्रॉपिकल एरिया में अगर ये सब चीज़ें क्या होगी, मतलब अगर अवेलेबल होगी तो क्या हो सकता है, तो व्हाट यू कैन से वो एरिया फुला, मतलब क्या बोल सकते, फला फुला, या फिर क्या बोल सकते, बहुत ही फेवरेबल
और बहुत ही उस उधर का एनवायरमेंट क्या हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं इस वर्ड का मीनिंग चेक करके बताता हूँ। कंप्लीटलीनेस, अगर ब्यूटीफुलनेस है बॉन्टीफुलनेस देखना पड़ेगा क्या, मे बी बॉन्टीफुलनेस हो सकता है, आई वुड चेक इट। ओके, इन मोर और लेस कॉन्स्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज सम एनिमल्स एंजॉय फूड परफॉर्मेंस। तो ये अगर ऐसा रहा तो एनिमल्स एंजॉय कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल दिया, फूड फ्रूट बींग अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर इन रेन फॉरेस्ट, वराइटी ऑफ फ्रुगिवरस ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली मोर कम्पेयर टू द टेम्परेट रीजन। तो बोल रहे कि देखो जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखो अगर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर दिया, यहाँ पे दिया फ्रुगिवरस मतलब क्या, फ्रूट को खाने वाले, इस चीज़ को याद रखना। हर्बिवोरस सुना है लेकिन फ्रुगिवरस आपने पहली बार सुना होगा, फ्रुगिवरस मतलब फ्रूट को खाने वाले। तो देखो रेन फॉरेस्ट में साल भर फ्रूट रह सकते हैं भैया, साल भर फ्रूट है तो मजा ही मजा है। अब साल भर फ्रूट है तो फ्रूट खाने वाले रेन फॉरेस्ट में पंछी ज्यादा दिखेंगे। अब देखिए टेम्परेटर, टेम्परेट एरिया, तो टेम्परेट एरिया मतलब जहाँ पे खाली बर्फ रहता है वहाँ पे फ्रूट वाले प्लांट साल भर नहीं मिलेंगे, हो सकता है मिल सकते हैं लेकिन 6 महीने के लिए मिलेंगे, 6 महीने के बाद बहुत बर्फ गिरने वाली है भैया, वहाँ फ्रुगिवरस का नंबर क्या होगा, बहुत कम होगा कम्पेयर टू व्हाट कैन से रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में भरपूर मात्रा में क्या हो सकता है, नंबर ज्यादा हो सकता है, ऐसा बोला गया। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट को। इन शॉर्ट स्पीसीज क्या बोलते हैं देखते हैं। इन शॉर्ट स्पीसीज रिचनेस और डाइवर्सिटी फॉर प्लांट एंड एनिमल डिक्रीज एज वेल एज मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। बोल ये रहा है कि धरती के इक्वेटर से लेकर धरती के पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, डाइवर्सिटी कम होता है, ऐसा बोल रहा है। इट इज अ मैक्सिमम एट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे मैक्सिमम रहता है, जैसे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट, उसमें 40,000 डिफरेंट वराइटी के प्लांट मिलते हैं, 1,300 डिफरेंट वराइटी के बर्ड्स मिलते हैं, 427 वराइटी के मैमल्स मिलते हैं और 3,000 स्पीसीज मिलते हैं। स्पीसीज अभी अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, सबका नाम मेंशन नहीं किया बट यहाँ कुछ कुछ चीज़ें मेंशन की। तो ये अमेजन रेन फॉरेस्ट की खासियत है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया में आता है, मैं बोलता था और एक क्वेश्चन आया था इस बार नीट में शायद से। ओके चलिए, मैं बोलता भी था कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ, हो सके क्वेश्चन आए, पता नहीं लकीली आ गया वही क्वेश्चन। ओके आगे चलते, इट स्पीक फॉर हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल टू अपवर्ड। अब देखिए अल्टीट्यूड का मतलब क्या है, अल्टीट्यूड का मतलब ये है कि समंदर से लेकर है ना हिली एरिया तक उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। यानी देखो ये समुंदर है, समुंदर से जैसे ऊपर जाएंगे है ना, जैसे हम बोल सकते हैं मुंबई समुंदर वाला इलाका है और हमारा पुणे एकदम ऐसा ऊपर आता है, हाइट पे आता है, दिस वाटर पुणे, ये रहा पुणे, पुणे कुछ ऐसा आता है लगभग, लुक लाइक दिस, ये पुणे रहा, ये मुंबई वाला एरिया है, पुणे वाला एरिया। तो बोल रहा है देखो, सो इट स्पीक अबाउट द हाइट फ्रॉम द मीन लेवल, ये मीन लेवल है मान लीजिए, दिस वॉज द मीन लेवल टू द मीन लेवल मतलब सी लेवल टू द अपवर्ड, ये अपवर्ड लेवल है। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या दिया देखना पड़ेगा शायद से, इज मोर एट लोअर एल्टीट्यूड देन द हायर एल्टीट्यूड। बोल क्या रहा है देखो, क्या बोल रहा है, ऐसा कैसा बोल रहा है देखना पड़ेगा। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी इज मोर एट अ लोअर एल्टीट्यूड देन द एट द हायर एल्टीट्यूड। अच्छा सही बोल रहा है, तो बोल रहा है देखो ठीक है यहाँ से ठीक है पुणे में स्पीसीज डाइवर्सिटी अच्छा होगा, अब पुणे से भी ऊपर जाएंगे हिमालय की तरफ, जितना ऊँचे जाएंगे उतना उतना क्या होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगा। पुणे में हो सकता है ज़्यादा होगा क्योंकि थोड़ा नज़दीक है, यहाँ यहाँ कम होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है हल्का सा, लेकिन क्योंकि थोड़ा प्लेट टाइप ही आता है, लेकिन उसके आगे जाएंगे ना हिमालय की तरफ ऊपर 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 जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगा। क्यों कम होगा मैंने बताया इसको, क्यों ऊंचाई पे क्या होता है जनरली, जितना ऊंचा जाएंगे उतना क्या हो सकता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो सकता है, कम होने के चांसेस है ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है ऊंचाई के ऊपर भी, वहाँ पे स्पीसीज बहुत कम हो सकता है ऐसा बोल रहे हैं। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी इज मोर एट अ लोअर एल्टीट्यूड देन अ हायर एल्टीट्यूड ऐसा बोल रहे हैं। इट इज बिकॉज हायर एल्टीट्यूड चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ड्रास्टिक सीजनल वेरिएशन लीड टू डिक्रीज इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, हम जानते हैं कि वहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस के अंदर मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर बहुत बदलाव आता है और उसी कारण क्या होता है वहाँ पे स्पीसीज क्या मिलते हैं हमें, कम मिलते हैं ऐसा बोल रहा है। ओके दिस इज अ थिंग वन शुड। अब देखते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये नया पॉइंट है, देखते हैं क्या रिलेशनशिप है स्पीसीज और एरिया का देखते हैं। साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड साइज ऑफ द हैबिटेट। तो देखो ये मतलब साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश किया कि भैया ऐसा कुछ मैटर करता है क्या, क्या मैटर करता है कि भैया एरिया कितना है, एरिया कितना है और उस एरिया में कितने स्पीसीज रहते हैं, मैटर करता है क्या। देखो मान लीजिए एरिया 10 किलोमीटर का है
क्या 10 किलोमीटर के एरिया में हो सकता है कि 1000 स्पीसीज मिल रहे हैं, और मैंने क्या कर दिया भैया, मैंने कर दिया 20 किलोमीटर का एरिया कर गया। क्या 20 किलोमीटर के एरिया में 2000 पीसेस मिल सकते हैं क्या? तो ये ऐसे चेकिंग किया, क्रॉस चेकिंग किया साइंटिस्ट लोगों ने। तो स्पीसीज का एरिया के साथ कुछ रिलेशन है क्या, यानी स्पीसीज का जो जिस जगह पे रहता है उस जगह तो हैबिटेट बोलते हैं, तो या स्पीसीज के हैबिटेट के साइज का कुछ इम्पैक्ट होता है क्या? जैसे कि हैबिटेट का साइज यहाँ पे 10 किलोमीटर का था, मैंने बढ़ा के 20 किलोमीटर का हैबिटेट का साइज बना दिया, ये 10 किलोमीटर की हैबिटेट साइज थी, अब हैबिटेट की साइज मैंने 20 किलोमीटर बना दी, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा फर्क पड़ता है नहीं पड़ता देखते हैं, अब नहीं पड़ता है तो किसके द्वारा पड़ता है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। इट इज कंसिडर्ड दैट नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अरे बोलते हैं कि मतलब एरिया के अनुसार क्या हो सकता है, मतलब स्पीसीज को काउंट कर सकते हैं, देखते हैं। इट इज अंडरस्टूड दैट लार्जर एरिया मे हैव मोर रिसोर्सेस दैट कैन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द इनहैबिटेड स्पीसीज। तो एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा, उधर रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगे तो वहां स्पीसीज भी ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। बट क्या हर वक्त सच हो सकता है? दिस डज नॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू, लेकिन हर वक्त सच नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो जर्मन के साइंटिस्ट थे और नेचुरलिस्ट थे, नेचर के ऊपर वर्क करने वाले नेचुरलिस्ट बोल सकते हैं, इनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, आप जानते हो इनका नाम, बहुत फेमस है ये। उन्होंने क्या बोला देखते, उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, दैट स्पीसीज रिचनेस डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एरिया। भैया एरिया बढ़ने से ऐसे नहीं, एरिया बढ़ गया तो स्पीसीज बढ़ेगा, हमने कई बार देखा है एरिया बहुत ज्यादा होता है लेकिन वहाँ स्पीसीज बहुत कम होते हैं। बट किस वजह, बट अप टू द लिमिट, मतलब ये बोल रहा है कि एरिया इंक्रीज हो गया तो स्पीसीज बढ़ेगी क्या? नहीं, बढ़ेंगे लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेंगे, ऐसा बोल रहा है। क्यों देखते हैं, ऑब्जर्व दैट ग्राफ ऑफ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप फॉर मेनी स्पीसीज दिस कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये कर्व क्या आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। अब देखिए ये लॉग स्केल है, हम सोचते हैं जनरली ऐसा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बोले ऐसा नहीं होता है। स्पीसीज ये कैसे बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, फिर ऐसा क्या होगा, फिर से क्या होगा, कम होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये हमारा हाइपोथेसिस था, ये लॉग स्केल ना, कि ऐसा हो सकता है, हमारा हाइपोथेसिस था। या ये होना, स्पीसीज बढ़, एरिया बढ़ रहा है, मतलब क्या होना चाहिए, स्पीसीज भी बढ़ना चाहिए। ये देखो स्पीसीज बढ़, एरिया बढ़ रहा है, स्पीसीज बढ़ना चाहिए, ऐसा हम सोच लेते हैं। भैया ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है, तो क्या होता है बाद में, ऐसा क्या होता है, बेंड होता है, ऐसा बोल रहे हैं। सो व्हाट देयर सेइंग, चलिए तो हम बोल्ट क्या बोल रहे देखते हैं। सो ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ स्पीसीज रिलेशनशिप फॉर मेनी स्पीसीज दिस कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बहुत सारी स्पीसीज के लिए क्या आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहा है। अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप जानते हो, पैराबोला हाइपरबोला कहते पता है, यानी क्या हो रहा है, इस तरीके से बेंड हो रहा है, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है, इफ यू कंसिडर यस इज अ स्पीसीज रिचनेस, अगर हमने क्या कर दिया, यस को स्पीसीज रिचनेस मान लिया, यस को मान लिया स्पीसीज रिचनेस दिया, या यस इज अ स्पीसीज रिचनेस, ओके देखते क्या बोल रहा है। एंड ए एज अ एरिया अंडर स्टडी, तो हम ए को मान लीजिए एरिया जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये वाला एरिया, मतलब जिस एरिया के अंदर हम देखना चाहते हैं कितना स्पीसीज रिचनेस है, ठीक है, उसको एरिया बोलेंगे। ओके ओके, सी एज अ वाई इंटरसेप्ट एंड जेड एज अ स्लोप ऑफ लाइन। तो सी को क्या मान लेंगे हम, वाई को इंटरसेप्ट करने वाला बंदा मानेंगे, जैसे कि ये ऐसा बोल सकते हैं, सी इज अ वाई इंटरसेप्ट, और जेड क्या है, जेड इज अ स्लोप ऑफ लाइन, जेड को स्लोप ऑफ लाइन मान लेते हैं। तो उस केस में रिलेशन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये रिलेशन आता है। अब इसको मैंने भली बात ही बहुत लंबा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देके प्रूव किया था, जब हम नीट की तैयारी कर लेते हैं, शायद से आपको याद होगा तो अच्छी बात है, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, उसको मैंने अच्छे से समझाया था एक्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है इकोलॉजी के बारे में, जब इकोलॉजी पढ़ रहे थे। ओके, तो इसको अभी के लिए, फिलहाल के लिए याद रखो, अब इसका हाँ, तो इसको अभी फिर से क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, कि बोर्ड के अंदर उतना एक्सप्लेनेशन डिमांड नहीं रहती है, बोर्ड के अंदर जितना दिया है उतना लिखोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, हालांकि इसका मैकेनिज्म हमने पढ़ा है तो यहाँ फिर से बताने की जरूरत नहीं। सो दिस वॉज द रिलेशनशिप, ये आपको, ये कई बार आपने एमसीक्यू सॉल्व किया होगा तो मे बी आपको याद रहा होगा, ठीक है। चलिए, ऑन लॉगरिथमिक स्केल इट्स रिलेशनशिप इज स्ट्रेट लाइन। अब देखो लॉगरिथमिक स्केल के रिलेशन क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा बोल रहा है। ओके, एज अबो इन द एज अबो दैट एज ऑब्जर्व इन द फिगर अबो, फॉर स्मॉलर एरिया जेड वैल्यू रेंज बिटवीन द 0.1 टू 0.2 रिगार्डलेस ऑफ द स्पीसीज फॉर रीजन अंडर द स्टडी। एरिया अगर स्मॉलर होगा तो क्या होगा, जड़ की वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करते हैं, 0.1 टू 0.2
है ना, यहाँ तक क्या करती है, रेंज करती है, ऐसा बोल रहा है। अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में बहुत एक क्लास मैंने पूरा दिया था इसके ऊपर, वन क्लास इसके ऊपर मैंने दिया था, आपको पता होगा, तो थोड़ा बहुत उसको क्रॉस चेक करना। और ये पूरा एनसीईआरटी है, डिक्टो एनसीईआरटी, आप देख सकते हो सब कुछ वही दिया। ओके, बट अगर लार्जर एरिया रहा तो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन द स्लोप आर क्लोजर टू वर्टिकल एक्सिस। तो ये बोल रहा है कि एरिया लार्जर रहा तो क्या हो सकता है, ये जो ये एक्सिस है उसके साथ क्या करता है, ये क्लोजर करता है, ऐसा बोल रहा है, इस तरीके से बोल रहा है। दैट इज स्टीपर, इसका स्टीपर रहता है, ऐसा बोल रहा है। स्टीपर मतलब कुछ ऐसा ऐसा आएगा, इट विल बिकम लाइक दिस, बोलते हैं स्टीपर, है ना। दिस इज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट वेरी लार्ज एरिया नंबर ऑफ सीस इज फाउंड इंक्रीजिंग फास्टर देन एरिया एक्सप्लोर। बोला कि इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर एरिया के केस में क्या हो सकता है, इट मे बिकम लाइक दिस, बट एरिया लार्जर रहा तो क्या हो सकता है, ग्राफ क्या जाएगा, ऐसा जा सकता है, इसको स्टीपर बोलते हैं ना, स्टीपर ग्राफ बोलते हैं उसको, इट मे बिकम लाइक दिस, राइट। सो ये बोल रहा है कि अगर एरिया बहुत ही ज्यादा होगा, एरिया बहुत छोटा होगा तो डेफिनेटली क्या होने वाला है सर, इफ एरिया इज वेरी स्मॉल इट विल बिकम लाइक दिस, इफ एरिया इज वेरी लार्ज तो ग्राफ क्या बन जाएगा, स्टीपर बन जाएगा। स्टीपर मतलब कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, स्टीपर ऐसा बेंड हो जाता है, स्टीप हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। सो ऐसा बोल रहा है, सो एंड बट लार्जर एरिया एंटायर कंटिनेंट द स्लोप आर क्लोजर एंड वर्टिकल टू एक्सिस। तो ये वर्टिकल टू एक्सिस मतलब ऐसा, ये मेन एक्सिस के साथ क्या होता है, क्लोज होता है, इट्स वेरी क्लोज ऐसा बोल रहा है, एंड वर्टिकल होता है ऐसा बोल रहा है, इट इज वेरी लार्ज एरिया नंबर ऑफ सीस फाउंड इन द ओशन। सो दिस वाज द थिंग मेंशन। अब चलिए दूसरी चीज को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। तो स्पीसीज का डाइवर्सिटी होना क्यों जरूरी है किसी एक इकोसिस्टम के अंदर, उसके इंपॉर्टेंस, उसके रीजन हम देख लेते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड वेदर वी रियली नीड ऑफ ऑल डाइवर्सिटी अराउंड अस, वॉट इफ फ्यू स्पीसीज आर लॉस्ट परमानेंटली। भैया देखो, क्या जरूरत है सारे के सारे स्पीसीज जिंदा रहने की, अगर इसमें से कुछ स्पीसीज खत्म हो गए तो कुछ दिक्कत है क्या, देखते हैं। मतलब परमानेंटली खत्म हो गए तो कुछ दिक्कत हो सकता है क्या, देखते हैं। हम जानते हैं क्या दिक्कत हो सकता है, लेकिन पढ़ के देखते हैं। अ कम्युनिटी इज सेड टू बी स्टेबल इफ एवरेज बायोमास प्रोडक्शन रिमेन्स फेयरली कॉन्स्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो कम्युनिटी को क्या बोल सकते हैं, स्टेबल बोल सकते हैं, अगर उसके बायोमास के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब बायोमास कॉन्स्टेंट ठहरा है ऐसा, मतलब सालों सालों तक, तो दैट कम्युनिटी इज बिकम द स्टेबल। उस कम्युनिटी को क्या बोल सकते हैं, स्टेबल कम्युनिटी बोल सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। दैट कम्युनिटी इज कंसिडर्ड एज अ स्टेबल। जस्ट वन मिनट, यस, तो उस कम्युनिटी को क्या बोल सकते हैं, हम स्टेबल बोल सकते हैं। ओके, सो चलिए आगे चलते, क्या बोल रहा है देखते हैं। इट शुड बी स्ट्रांग इनफ टू विदस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिकवरी क्विकली। तो इट शुड बी द स्ट्रांग इनफ टू विदस्टैंड विदाउट विदस्टैंड डिस्टर्बेंस। मतलब देखो, अगर स्पीसीज बहुत ज्यादा हो गए तो क्या हो सकता है, वो कम्युनिटी डिस्टर्ब नहीं हो सकते, ऐसा बोल रहा है। एंड अगर डिस्टर्बेंस हो भी गया तो फिर से वो कम्युनिटी क्या हो सकती है, फिर से इकोसिस्टम क्या हो सकती है, या फिर कम्युनिटी क्या हो सकते हैं, फिर से रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि स्पीसीज इतने बहुत ज्यादा है। सो इट्स वेरी हेल्पफुल। तो रिलेशन है, जितना स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगा उतना क्या होगा, अगर हार्म भी हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या हो सकता है, फिर से वो क्या हो सकता है, रिकवर हो सकता है, ऐसे बोल रहे हैं। इट ऑल्सो मस्ट बी रिस्ट्रेन्ड टू इनविजिबल स्पीसीज। अगर बाहर से कोई स्पीसीज आ भी गया, इनविजिबल स्पीसीज आ भी गया, उससे भी फाइट कर सकती, उसको ज्यादा ग्रो नहीं कर देते, ऐसा बोल रहे हैं। ये पूरा एनसीईआरटी है। डेविड डिलमैन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फील्ड एक्सपेरिमेंट था, फील्ड मतलब एक्चुअल जाके किया था। एंड प्रूव दैट स्पीसीज रिचनेस डज नॉट हेल्प द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। अब बोल रहे, देखो स्पीसीज रिचनेस डज, सॉरी नॉट बोला गया, डज हेल्प द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी। तो ये आपका डेविड टेलमैन का नाम याद रखना, उन्होंने बताया कि देखो जितना ज्यादा स्पीसीज रिचनेस होगा उतना ज्यादा क्या हो सकता है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी, मतलब इकोलॉजी उतना स्टेबल रह सकता है, कम्युनिटी स्टेबल रह सकता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जितना स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है ना, जितना डाइवर्सिटी ज्यादा, उतना क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, रिलेशन है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और उतना क्या होगा, इनवेजिव स्पीसीज अंदर की तरफ एंट्री नहीं कर पाएंगे, मतलब अपना साम्राज्य क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोल रहा है, लाइक दैट। सो दिस वाज द थिंग, यानी स्पीसीज रिचनेस एंड कम्युनिटी का स्टेबिलिटी, इन दोनों का बहुत ही तगड़ा स्ट्रांग रिलेशन है, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रिच डाइवर्सिटी लीड्स टू लेजर वेरिएशन इन बायोमास प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बोल रहे कि देखो, अगर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी तो बायोमास प्रोडक्शन के अंदर कुछ वेरिएशंस नहीं आएंगे, कॉन्स्टेंटली बायोमास रहेगा। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है सर? अब देखो, सिंपल जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी का है, हिरन डियर की संख्या बहुत ज्यादा है और लायन की संख्या बहुत कम है, तो भाई देखो क्या होगा, बायोमास के अंदर चेंजेस आ सकते। क्यों आ सकते? तो ग्रास बहुत ज्यादा खाएंगे
और डियर का नंबर बढ़ेगा, कुछ अनबैलेंस हो जाएगा, समथिंग विल अनबैलेंस यहाँ पर। और हो सकता है ग्रास अगले साल कम, बाकी लोगों को ग्रास कम मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन कम क्रिएट हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो अगर सब कुछ इक्वल होना चाहिए, मतलब बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, मतलब जितने हिरन है उतने टाइगर भी होना चाहिए, उतने शेर भी होना चाहिए, सब लेपर्ड भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अगर सब कुछ बैलेंस रहेगा तो क्या हो सकता है, बायोमास के अंदर कुछ बदलाव नहीं आएगा, कॉन्स्टेंटली बायोमास क्या रहेगा, रहेगा मतलब। ये तो एक बहुत कम है एक बहुत ज्यादा है, तो क्या हो सकता है बायोमास के अंदर चेंज आ सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया जंगल के अंदर, मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया, हिरन बहुत कम है, तो भैया बायोमास के अंदर चेंजेस आएगा, हिरन बहुत कम है तो क्या होगा, ग्रास बहुत बढ़ेगा जंगल के अंदर, धड़ाधड़ बढ़ेगा, एंड इट विल इंक्रीजेस लाइक एनीथिंग, है ना। डियर का जनसंख्या कम हो गया तो क्या होगा, ग्रास बहुत बढ़ेगा, तो बायोमास के अंदर चेंजेस आ सकता है। बायोमास मतलब क्या, ऑर्गेनिक मैटर, है ना, ड्राई ऑर्गेनिक मैटर या फिर फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर को क्या बोलते हैं, बायोमास बोल सकते हैं। मोस्टली बायोमास अगर कैलकुलेट करना है तो किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्राई ऑर्गेनिक मैटर इज अ मच मोर बेस्ट बेटर टू कैलकुलेट द ऑर्गेनिक मास। ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेबिलिटी। तो बोलते हैं प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी, व्हाट इज अ प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। तो सिंपल है भैया, रिच बायोडाइवर्सिटी रहेगा तो बायोमास के अंदर वेरिएशन नहीं आएगा, उसको प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पॉल अर्लिच, इसका हम पहले से नाम जानते हैं, शुक्रिया स्टेट बोर्ड वालों का, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही चीज़ पढ़ना जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया और फायदेमंद रहेगा नीट के लिए। एन इकोलॉजिस्ट फ्रॉम स्टैनफोर्ड गेव एन एनालॉजी टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायवर्सिटी। तो देखते हैं उन्होंने एनालॉजी दिया था क्या, ये हम जानते हैं रिवर्ट प्रॉपर्ट का हाइपोथेसिस जानते हैं, है ना, पूरा एनसीईआरटी दिया है, कुछ चेंज नहीं किया। क्या बोल रहे हैं, ही कंपेयर्ड एरोप्लेन, एरोप्लेन को इकोसिस्टम बोल दिया उन्होंने, और जो नट बोल्ट है एरोप्लेन के उसको क्या बोल दिया, स्पीसीज बोल दिया, है ना। एरोप्लेन को क्या बोल दिया, इकोसिस्टम बोल दिया, नट बोल्ट को क्या बोल दिया, स्पीसीज बोल दिया। किसके, एरोप्लेन के नट बोल्ट को स्पीसीज बोल दिया। ऑफ कोर्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिवर्ट्स, रिवर्ट का मतलब है नट बोल्ट बोल सकते हैं, नीडेड टू होल्ड द पार्ट ऑफ द एरोप्लेन। तो जिस तरीके से इकोसिस्टम को एक साथ मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे स्पीसीज लगते हैं, है ना, उस तरीके से एक एरोप्लेन को बनाने के लिए बहुत सारे नट बोल्ट लगते हैं या फिर रिवर्ट लगते हैं, ऐसा बोल रहा है। ईच पैसेंजर डिसाइड टू पॉप अप इवन वन ड्राइव रिवेट, और इन अदर वर्ड इफ वन स्पीसीज गेट एक्सटिंक्ट इनिशियली नॉट मच ट्रबलेंस विद एक्सपीरियंस बट स्लोली स्लोली एज नंबर पॉप्ड। बोल रहे कि देखो पैसेंजर ने क्या कर दिया, हर बार एक नट निकाला तो पहले कुछ पता नहीं चलता, एक आधा नट निकाला तो, लेकिन नट निकालते गया फिर कुछ तो क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। उस तरीके से हमारा रिलेशन इकोसिस्टम के साथ है, हमने क्या किया, इकोसिस्टम से हमने एक एक स्पीसीज को पहले खत्म करने की कोशिश की, एक एक खत्म होते गया, कुछ लग नहीं रहा, लेकिन जब स्पीसीज जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे ज्यादा, तब जाके क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। बोल क्या रहा है, देखो, सो देयर विल बी द सीरियस थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द एरोप्लेन। तो इस केस में क्या हो सकता है, एरोप्लेन को जिस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है उसके रिवर्ट यानी नट बोल्ट निकालने से, उस तरीके से व्हाट वी कैन सी इकोसिस्टम को प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। आल्सो द रिवर्ट आर रिमोट विल आल्सो मैटर, सपोज रिवर्ट एज अ की पोजीशन सच एज वन ऑफ द वंस दैट बाइंड टू द विंग और बॉडी ऑफ द एरोप्लेन आर रिमोट, सिचुएशन विल बिकम सीरियस। बोल रहे अगर एक आधा नट बोल्ट ऐसा है जो कि या फिर ऐसे हेलीकॉप्टर मान लीजिए, तो हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन का जो मेन व्हीलर है, क्या बोल सकते हैं, पंखा है, फैन है ना, जो बड़े बड़े फैन रहते हैं उसका एक मेन नट बोल्ट है, अगर वो निकाला तो फैन बंद गिरने वाला। उस तरीके से बहुत सारे की स्टोन स्पीसीज रहते हैं धरती के ऊपर, हो सकता है वो स्पीसीज निकाला तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, उसको हम की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। तो ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। दस वी कैन से रिलेशनशिप बिटवीन द डाइवर्सिटी एंड विल बींग इकोसिस्टम इज नॉट लिनियर, ऐसा बोल रहा है, चलो ठीक है। But it is certain that loss of species may not pose threat to ecosystem only initially. लेकिन देखो शुरुआती दिनों में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बाद में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, सब बोल रहे हैं। लॉस ऑफ की स्पीसीज, हाँ, लेकिन देखिए की स्पीसीज अगर खत्म हो गया, की स्पीसीज मतलब मैं समझा रहा हूँ ना, जैसे कि एरोप्लेन के फैन का ही नट बोल्ट खत्म हो गया, एरोप्लेन धड़ाक से गिरने वाला है, उस तरीके से इकोसिस्टम के अंदर एक ऐसा स्पीसीज हो सकता है, इसको अगर आपने खत्म कर दिया तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम खत्म हो सकती है। जैसे जंगल का शेर खत्म कर दिया तो क्या होगा, जंगल के सारे हिरन जंगल के सारे पेड़ खा लेंगे, जंगल ही खत्म हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या की जा रही है, बातें की जा रही है, पता होना चाहिए। चल क्यों नहीं रहे हैं यार, चलो। सो लॉस ऑफ की स्पीसीज विल सर्टेनली कॉज अस द थ्रेट इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए डायरेक्टली हमने क्या कर दिया,
एक 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 नट बोल्ट ना निकालते हुए डायरेक्टली क्या कर दिया, एरोप्लेन के पंखे का नट निकाल दिया, खत्म, तुरंत प्लेन गिर जाएगा। हो सकता है हम एक एक स्पीसीज निकाल रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन कीस्टोन पीसेस को धक्का लग गया, खत्म, उस समय सीरियस थ्रेट हो सकता है। ऐसा बोल रहे, इट विल अफेक्ट फूड चेन, फूड चेन के ऊपर अफेक्ट हो सकता है। मैंने बताया था किस तरीके से, फूड वेव, एनर्जी फ्लो, नेचुरल साइकिल्स, इन शॉर्ट इट विल बी अफेक्ट द बैलेंस इको सिस्टम। तो जो बैलेंस इको सिस्टम थी उसको भी क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है। इस तरीके से वो क्या कर, इस तरीके से उसने यहाँ पे मेंशन किया है। तो 4.15.4 था जैसे, ओके, सो विल स्टॉप हियर, हमें भी रुक जाते हैं क्योंकि 11:27 हो चुका है। आपको मुझे प्रेजेंट भी लेना है, आई विल टेक प्रेजेंट एंड विल स्टॉप हियर। ओके, कुछ लोग प्रेजेंट देने के लिए आते हैं।